हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बात कर लेते हैं HPSC PGT लेक्चरर भर्ती के बारे में। तो HPSC की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया है आज, और इसमें जो कुछ साथी हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भर्ती है वो रद्द हो गई है, या जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो असली माजरा इसमें है क्या, आज इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। और अब आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये नोटिस है आपका, ये आपका HPSC ने 16 मार्च को ये नोटिस निकाला है। और जो HPSC है उसने नोटिस में कहा है कि जो HPSC ने एक अनाउंसमेंट यानी कि जो एक नोटिस निकाला था 13 दिसंबर 2022 को PGT पोस्ट के रिगार्डिंग, और जो कि आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा में था, और वो था आपका 32/2022 जो आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो जो वो है वो नोटिस वो क्या कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, अब जो मेन बात है इसमें, इन्होंने एक लाइन और लिख रखी है कि जो आपका न्यू स्कीम पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट जो टेस्ट है वो आपका जल्द ही, यानी कि जो आपका ड्यू कोर्स है यानी कि जो आपका निश्चित समय है उसमें आपको जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 13 दिसंबर को कौन सा जो नोटिस है वो जारी किया गया था कमीशन के द्वारा। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप तो आपको पता ही चल गया है कि 13 दिसंबर का कोई नोटिस था वो आपका विड्रॉ कर लिया गया है। तो पहले हम चलेंगे आपके गूगल क्रोम पर। तो गूगल क्रोम पर जाते हैं हम। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर HPSC सर्च करेंगे सिंपली HPSC। अनाउंसमेंट, तो अब हमको यहाँ पर HPSC अनाउंसमेंट सर्च करना है। जैसे ही आप HPSC अनाउंसमेंट जो है वो सर्च करते हो, तो देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस तरीके से ओपन हो जाती है HPSC अनाउंसमेंट के नाम से। और यहाँ पर हमको जाना है 13 दिसंबर की डेट पर। तो जैसे हम नीचे स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डेट दिखाई देती हैं, और इनमें एक PGT वाली जो मेन डेट है वो है आपकी 14 दिसंबर की तारीख में। तो इसमें और उसमें थे आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा, तो हम इस वाले को ओपन करते हैं 23 नंबर को। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, देखिए जो नोटिस है वो आपका आ जाता है। तो ये आप देख पा रहे होगे, जो ये नोटिस है ये आपका था स्कीम पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट का। तो यहाँ पर जो है आपका HPSC, उन्होंने क्या किया है, जो आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा में जो आपका एडवर्टाइजमेंट 32/2022 का जो आपका स्कीम और जो पैटर्न था रिक्रूटमेंट टेस्ट का, वो आपका विड्रॉ कर लिया गया है। अब ये आपका क्या कर लिया गया है, विड्रॉ। अब इसके विड्रॉ होने के बाद यहाँ पर होना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें था ये कि ये चीज़, ये वाला जो कैंडिडेट है उसको क्या करना है, सिक्योर करना था 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये जो था ये आपका हाई कोर्ट में जो केस है ये आपकी लगी हुई है, और जो बच्चे हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। तो इसी रीज़न से जो ये है आपका नोटिस यानी कि जो आपका जो सिलेबस है वो इसका विड्रॉ कर लिया गया है। अब बात रही मेवात वाले की, तो जो आपका मेवात वाला है, जो मेवात वाला है 31/2022, ये आपका विड्रॉ नहीं हुआ है। तो जो आपका विड्रॉ हुआ है वो आप हुआ है आपका विड्रॉ हुआ है आपका ROH वाला, रेस्ट ऑफ हरियाणा। और जो मेवात वाला है वो आपका हुआ नहीं है, यानी कि जो आपकी ROH में जो भर्ती आई है उनका जो ये आपका 50% वाला जो क्राइटेरिया है ये आपका इस टाइम पर विड्रॉ कर लिया गया है। अब ये पता नहीं है कि ये इसको विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि ये जो अब आपका नया सिलेबस आएगा और नया पैटर्न आएगा उसमें ये चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी, सबसे मेन चीज़ तो यही है आपके लिए। तो साथियों, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि
जो आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही चेंज होके आएगा। तो जो इसमें जो मेन पॉइंट था वो यही था कि आपका जो 50% मार्क्स वाला है, इस पर जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग इसको विड्रॉ किया गया है, और इसी की वजह से जो आपका एग्ज़ाम है वो डिले हो रहा है। और कुछ इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। बाकी जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो विड्रॉ नहीं हुआ है, यानी कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो तो विड्रॉ हुआ नहीं है, यानी जो आपकी भर्ती है वो आपकी कैंसिल नहीं हुई है, बस केवल आपका जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है जो उन्होंने सिलेबस जारी किया था वो आपका विड्रॉ कर लिया गया। सिलेबस भी नहीं, वो आपका जो पैटर्न था, और जो आपका सिलेबस है वो आपका सेम यही रहने वाला है। ये जो आपका जो सिलेबस दे रखा है ये वाला आपका, ये आप देख पा रहे होगे, ये लगा लो सिलेबस यही रहने वाला है, बस खाली पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा। और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो है तैयारी करते रहें, वो पैटर्न ही चेंज करेंगे, और इसमें जो सिलेबस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और इस चीज़ के चक्कर में ना रहें कि जो स्कीम है वो चेंज होके आएगी, यानी जो आपके पास है इस टाइम पर जो सिलेबस या पैटर्न है आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपको टाइम दिया जा रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। बाकी जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपका विड्रॉ नहीं हुआ है, और जो आपका मेवात का है उसका जो पैटर्न है वो आपका सेम टू सेम है, उसमें कुछ भी चेंज किया नहीं गया है, यानी उसमें आपका 50% वाली जो कंडीशन है वो अभी भी है। तो इसमें आप ये समझ सकते हो जो केस है वो आपका ROH वाले पर डाला गया है। बस यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, भर्ती रद्द नहीं हुई है, जो आपका पैटर्न है बस केवल वही विड्रॉ किया गया है, और नया पैटर्न आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा वेबसाइट पर। बस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ।